हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हमारा डे 8 है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोस चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले हम लोग ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सीबीएसई के डिस्कस कर चुके हैं, तो एनसीईआरटी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा वो आपको ऑलरेडी गिवन है। वो बोलता है कि 4 cosec square 60 डिग्री माइनस 16 tan square 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि जो cosec square होता है, cosec square किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है ये बात कि जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है? cosec का उल्टा होता है या cosec साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ 4 है तो cosec का क्या है? आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग चल रही है। स्क्वायर मींस होल स्क्वायर, ठीक है। तो cosec जो 60 डिग्री होती है तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? sin 60 डिग्री की बात करते हैं तो अंडर रूट 3/2 होती है। तो अंडर रूट 3/2 को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 16 हुआ तो 10 स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, 10 किसका है, 10 तो अपनी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√3 होती है। तो यहाँ 1/√3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है आपको, सिर्फ आपने क्या किया, वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ और अगर इसको ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 हो गया। यहाँ 16 × 1/3 हो गया, तो आप देखेंगे 16/3 हो गया और ये भी आपका 16/3 आ रहा है। तो जो आपका क्या आंसर आ गया, 0 हो गया। क्लियर है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उसके बाद उसने फिर से एक इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है इसको प्रूफ करने के लिए कि क्या जो इक्वेशन दी गई है वो सही है या नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर इसमें लिखता है कि जो sec थीटा है वो आपका sec थीटा into sin थीटा is equal to 0 है। sec थीटा into sin थीटा is equal to 0 है। और इसमें आपको उसने बोला है कि find the value of theta। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। बेटा आपको पता है कि जो sec थीटा है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/cos थीटा में लिख सकती हूँ। sec थीटा 1/cos थीटा होता है into आपका क्या हुआ, sin थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जीरो चल रही है तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा हो गया नहीं हो गया, इज इक्वल टू जीरो। और sin और cos जब ऊपर नीचे जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, tan थीटा बना लेते हैं और tan थीटा 0 0 होता है। तो tan थीटा की जो tan थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan 0 पे क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से जो थीटा आपका एंगल निकल के आता है वो आपका 0 डिग्री निकल के आता है। क्या निकल के आता है आपका, 0 डिग्री एंगल निकल के आता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हुआ, हमारा दूसरा भी एंगल 0 आ गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से लास्ट तक। बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में प्लीज जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ठीक से समझ में नहीं आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 10th का पार्ट नहीं है बेटा, ये 11th 12th और इससे आगे जाके भी इसका मैथ्स का पार्ट हमेशा रहता है। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो सीबीएसई का जो रूल है, तो अभी राइट नाउ सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो इसी चैप्टर को दी गई है, ठीक है। और जिस बच्चे को भी अच्छे से समझना है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए और कंटिन्यूटी रखिए अपनी हर वीडियोस की। तो प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि जिससे आपका क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेगी और आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी नहीं किया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं बेटा। इसमें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें 1 - tan थीटा था, यहाँ पे 1 - cos थीटा है। ये सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है जो हर साल ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन हर बार पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है,
जहां पर थीटा है वहां ऑलरेडी हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो 1 माइनस cos 0 हो गया बेटा, और 1 प्लस क्या हुआ आपका, cos 0 हो गया, हो गया या नहीं हो गया? और आपको पता है कि अगर हम बात करें कि भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 1 माइनस 1 हो गया और 1 प्लस 1 हो गया, तो 0 बाय 2 हो गया, जिसका आंसर 0 हो गया। क्या बात है, आज तो सारे ही आंसर 0 निकल रहे हैं, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर हमने फुल किया, सिर्फ जस्ट आपने थीटा की वैल्यू को पुट किया, थीटा आपको ऑलरेडी एक एंगल है जो 0 है और जो गिवन है। उसके बाद एक और हम क्वेश्चन लेंगे आज यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है, आगे चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपको बोलता है कि उसने ए जो है वो आपको गिवन है कि वो 60 डिग्री है, मतलब ए एक एंगल है, यहाँ पर अब थीटा को ना लेके दूसरा एंगल यूज किया जा रहा है ए और बी, जिसकी वैल्यू ए की 60 डिग्री है और बी की 30 डिग्री है। फिर उसने बोला है जो कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए बी, वो ये बोलता है कि अगर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ओके आपको प्रूफ करना है बेटा कि जो कॉस ए प्लस बी है, ओके क्या वो कॉस ए प्लस कॉस बी के बराबर है या नहीं है, ठीक है, ये आपको यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि क्या ये आपका बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जहां पर जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करते रहे, यहाँ पर दो एंगल को एक साथ यूज किया है, तो यहाँ पर जहां पर भी ए होगा वहां पर हम 60 डिग्री पुट करेंगे, और जहां बी होगा वहां पे कौन सा एंगल पुट करेंगे, 30 डिग्री करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिर्फ एंगल की वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपने, मैंने स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन, यहाँ पर कॉस लिखा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है, क्लियर है। और यहाँ पर आपका क्या हुआ, कॉस आपका क्या हुआ 60 डिग्री है, और कॉस यहाँ पर आपका क्या हुआ 30 डिग्री है यहाँ पर। ये आप लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि हमें ये मतलब बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो आप इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड अलग लेके चलेंगे, राइट साइड को अलग लेके चलेंगे, तो यहाँ पर ये बेटा बन जाता है कॉस 90 डिग्री, क्या बन जाता है, कॉस 90 डिग्री। और आपको पता है कि अगर कॉस 90 डिग्री की बात करते हैं, तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब इधर भी चेक कर लेते हैं, कॉस 60 डिग्री की बात करते हैं कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है कॉस 60 आपका क्या होता है, 1/2 होता है या नहीं होता है। और अगर कॉस 30 की बात करें, तो कॉस 30 आपका √3/2 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एलसीएम ले लिया, 1+√√3 आया, तो ये तो इसके बराबर ही नहीं आया। आप देख रहे हैं कि ये मेरा आपका क्या है, राइट हैंड साइड चल रहा है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा कि जो कॉस होता है एंगल ए प्लस बी जो है इज नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, आप उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।